देख देखिए, मैं वो जो रेप विक्टिम लेडी है उनके लिए, इंसाफ के लिए उनका सपोर्ट कर रहा हूँ कि उनको जल्द से इंसाफ मिले। उनको मिला भी, पुलिस स्टेशन शांतापुर पुलिस स्टेशन ने FIR भी दर्ज किया। आई अप्रिशिएट देम। और ये हुआ है, बाकी ये दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स, दे आर ब्लैकमेलर्स, तो इनका काम यही है। अब एक आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको कैसे दबाया जाए, ये लोगों का काम यही है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगा, मुझे कोई भी कितना दबाया जाए या धमकाया जाए, मैं नहीं डरूंगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर मुझ पे कोई हादसा, अटैक या कोई भी चीज़ होती है तो इसका ज़िम्मेदार फिरोज सामा और उसके साथी होंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में मेंशन करके उनके नाम लिखवा दिए हैं। तो वाया वाया सब धमकियाँ भी आती हैं हमको कि मत करो वरना दूसरे फॉल्स केस डाल देंगे, यहाँ बाहर की साइड में फॉल्स केस डाल देंगे, दिल्ली यानी मुंबई से बाहर डाल देंगे, या आपको हम मार देंगे, ये कर देंगे, काफ़ी चीज़ें आ रही है। लेकिन मुझे कानून पे भरोसा है और मेरे अल्लाह पे मुझे भरोसा है कि सच्चाई की जीत होगी और मुझे और वो जो रेप विक्टिम है उसको इंसाफ मिलेगा। और ये जो झूठी FIR हुई है इसमें हम मैं मुझे यकीन है, मैं कह रहा हूँ ना कि ये मैं इसमें क्लीन निकलूँगा। और आप सामने है मीडिया, तो आप देख सकते देखेंगे कि इंशाल्लाह मैंने जो गुनाह किया नहीं हो, तो मुझे यकीन है कि मुझे ये सब गलत चीज़ नहीं होगी मेरे साथ, और मुझे कानून पे पूरा भरोसा है।